वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, तो देखेंगे कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में एक फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, और इसके थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे, निकालेंगे फार्मूला, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, सिम्पसन के फार्मूला को सॉल्व करेंगे। तो इन फार्मूला को निकालने का क्या मतलब होता है कि अब अगर हम लोग जैसे दिया हुआ एक रेक्टेंगल, तो इस रेक्टेंगल के थ्रू हम लोग एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि फार्मूला पता है ट्रायंगल, इसी तरह से अलग अलग शेप के एरिया हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो कैलकुलस के माध्यम से हम लोग देखते हैं, तो ये जो एरिया कैलकुलेट करते हैं वाई डी एक्स, इसके थ्रू एरिया लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट दे दिया जाता है, जैसे 0 to 5 या 6, 0 to n कुछ भी दे दिया होता है लिमिट, उससे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन वाई की जगह पर ये फंक्शन दिया होना चाहिए एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में। तो लेकिन अगर कुछ शेप इस तरह से हो, दिया हो जो फिक्स शेप ना हो, ऐसे दिया हो, तो इसका हम लोग एरिया जो कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, क्योंकि ये किसी शेप में नहीं आ रहा है। तो अब देखिए, इसमें हम लोग मान लीजिए कि ये फर्स्ट वाला है एक्स जीरो, फिर इसे हम लोग छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देंगे। ये एक्स जीरो है तो ये इसी तरह से वाई जीरो होगा, ये एक्स जीरो प्लस एच होगा तो ये मान लीजिए y1, फिर x0 प्लस 2h, तो y2। इस तरह से हम लोग ये देखेंगे कि ये x0 प्लस nh और ये yn। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका एरिया निकाल लें इंडिविजुअल, फिर इसका एरिया निकाल लें इस वाले पोर्शन का, फिर इसी तरह से नेक्स्ट वाले का निकाल लें, और ऐसे ही सभी का एरिया निकाल के हम लोग सम कर दें। तो सम कर देंगे तो सभी का एरिया निकल सकता है। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे एक स्ट्रिप हो गया, दूसरा वाला हो गया, तीसरा हो गया, तो यही डिपेंड करता है कि ट्रेपेजॉइडल से निकालना है कि सिम्पसन का। तो एक एक स्ट्रिप लेंगे तो ट्रेपेजॉइडल दो लेंगे, फिर तीन लेंगे, ऐसे अलग अलग फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सबको पाने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, निकालेंगे जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला। तो जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये मान लेते हैं, सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, जिनके वैल्यूज हैं y0 इक्वल टू f ऑफ x0 y1 इक्वल टू f ऑफ x0 प्लस h y2 इक्वल टू f ऑफ x0 प्लस 2h अप टू yn इक्वल टू f ऑफ x0 प्लस nh, जो अभी हम लोगों ने इस डायग्राम में देखा था। तो ये फंक्शन है जिनके वैल्यूज हैं करस्पॉन्डिंग टू दी आर्ग्यूमेंट, करस्पॉन्डिंग टू दी आर्ग्यूमेंट्स दिया हुआ एक्स जीरो पे x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, x0 प्लस 3h अप टू x0 प्लस nh, जो इक्वल इंटरवल पर है। अगर h आ गया तो इट मीन्स इक्वल इंटरवल। तो अब देखिए कि इनके रिस्पेक्ट में ये x की वैल्यू है, इसके रिस्पेक्ट में ये y0 y1 y2 अप टू y1n दिया हुआ है, जो हम लोगों ने इसमें देखा था। अब हम लोग ये देखेंगे कि कैलकुलेट करना किसको है, ये एक्स जीरो से लेके x0 प्लस nh y dx, इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अब रही बात कि ये y कहाँ से आएगा, जो लोअर लिमिट यहाँ पर x0, अपर लिमिट x0 प्लस nh, जो इस तरह से कुछ डायग्राम में था। तो ये y0 यहाँ पर x0 प्लस h कर दें, x0 प्लस h, x0 प्लस 2h अप टू x0 प्लस nh, ये yn, y1, y2 ओरिजिन, ये y एक्सिस और इधर x एक्सिस। तो हम लोग इसे निकालेंगे, कहाँ से कहाँ एरिया निकालना है, कैलकुलेट करना है x0 से x0 प्लस nh तक कैलकुलेट करना है। तो x0 से x0 प्लस nh y dx। तो y जो फंक्शन होगा, तो ये कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग इस y को निकाल लेंगे न्यूटन्स के
फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से, तो न्यूटन्स के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर u इक्वल टू x माइनस एक्स जीरो अपॉन h था, तो x u इक्वल टू x माइनस एक्स जीरो अपॉन h। अब यहाँ पर जब हम लोग u के टर्म में फार्मूला रखेंगे तो ये dx रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, dx इक्वल टू h du, तो इसे अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे du by dx और यहाँ पर 1 by h हो जाएगा, d by dx 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, या ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से u इक्वल टू x by h माइनस x जीरो by h, तो ये तो जीरो हो जाएगा और यहाँ पर du by dx और ये 1 by h, तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। लेकिन x के टर्म में, ये u के टर्म में आएगा तो x के टर्म में है, तो ये हम लोग का लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से हो जाएगा, u के टर्म में। तो हम लोग ये जानते हैं कि u इक्वल टू x माइनस एक्स जीरो अपॉन h, तो अब अगर ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर रख दें u के टर्म में कितना हो जाएगा, अगर लोअर लिमिट रखें तो x की जगह पर x जीरो पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एक्स जीरो माइनस एक्स जीरो अपॉन एच, तो ये जीरो हो जाएगा, तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, जीरो। और इसी तरह से अपर लिमिट क्या हो जाएगा, यू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच में अपर लिमिट एक्स जीरो प्लस एन एच माइनस एक्स जीरो अपॉन एच, तो ये कट गया, ये एच हो गया, तो ये एन होगा, तो जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगा जीरो टू एन u के लिए। तो इस तरह से हम लोग का ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। अब हम लोग को जो इवेल्युएट करना है यहाँ पे कि x0 से x0 प्लस एन एच वाई डी एक्स, यहाँ से यहाँ पर इवेल्युएट करना है, जो निकालना है एक जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला को कैलकुलेट करना है, तो उसे हम लोग यहाँ पर देन x0 प्लस एन एच वाई डी एक्स, तो इसे देखिए यहाँ से हम लोग लिख लें कि u के टर्म में लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू n, और जो y होगा तो y का फार्मूला न्यूटन्स के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से होगा h y जीरो प्लस यहाँ से डी एक्स इक्वल टू एच डी यू, ये वाला, तो एच यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, तो वाई जीरो फिर यू डेल्टा वाई जीरो प्लस यू यू माइनस वन डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस यू यू माइनस वन यू माइनस टू डेल्टा क्यूब y0 जीरो अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरह से हम लोग का ये डी यू हो जाएगा। मीन्स जो डी एक्स होगा तो उसे एच डी यू, तो h को हम लोगों ने यहाँ पर एज ए कॉन्स्टेंट निकाल लिया। अब हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू u, तो ये आ जाएगा h यहाँ से u y0 प्लस ये होगा यू स्क्वायर अपॉन टू डेल्टा वाई जीरो प्लस यू स्क्वायर माइनस यू हो जाएगा, तो यू क्यूब बाई थ्री और यहाँ यू माइनस यू स्क्वायर यू है तो यू स्क्वायर बाई टू डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस जब इसको u u u तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, तो क्यूब हो जाएगा तो देखेंगे कि u पावर 4 अपॉन 4, फिर इसे आप सिंप्लीफाई करके तो कैलकुलेट करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा माइनस u क्यूब प्लस u स्क्वायर और डेल्टा क्यूब y जीरो अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे जीरो से n u के रिस्पेक्ट हम लोग इंटीग्रेट कर दिए, तो यहाँ पर देखिए क्यूब आ रहा है तो पावर 4 हो जाएगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा,
अब n की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ क्या करना है, पुट कर देना है। तो एच एन वाई जीरो प्लस एन स्क्वायर अपॉन टू डेल्टा वाई जीरो प्लस एन क्यूब बाय थ्री एन स्क्वायर बाय टू डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एन पावर फोर बाई फोर एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर फैक्टोरियल थ्री डेल्टा क्यूब वाई जीरो अपॉन फैक्टोरियल थ्री। ये होगा फॉर्मूला जो कि इक्वेशन नंबर वन। तो अब देख सकते हैं कि इससे हम लोग सॉल्व करके यहाँ पर n रख दिया u की जगह सभी को, और इस तरह से हम लोग एक इक्वेशन हम लोग को मिला। इस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं ये x जीरो से लेके x जीरो प्लस एन एच वाई डी एक्स, वाई मीन्स एफ ऑफ एक्स। तो अब हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम x जीरो टू x जीरो प्लस एन एच, तो इस एरिया को हम लोग सिंपल डिपेंड करता है कि इस तरह से सॉल्व करें। तो जो ये इक्वेशन आया इसी को कहते हैं जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला। दी अबव फॉर्मूला इज नोन एज जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला, और इसे हम लोग कॉट्स फॉर्मूला भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉट्स फॉर्मूला। तो ये जो जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला आया इसी में अगर हम लोग n इक्वल टू वन पुट करते हैं तो ट्रेपेजॉइडल फार्मूला निकल जाएगा। n इक्वल टू टू रख दें तो सिम्पसन वन बाई थ्री, n इक्वल टू थ्री पुट कर दें तो सिम्पसन थ्री बाई एट फार्मूला निकल जाएगा। पुटिंग n इक्वल टू वन टू थ्री वी गेट नंबर ऑफ फार्मूला, पुटिंग n इक्वल टू वी कैन डिराइव नंबर ऑफ फॉर्मूलास। तो हम लोग का ये जो जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला इसमें n की वैल्यू वन टू थ्री पुट करके बहुत सारे फार्मूला को निकाल सकते हैं, और जिसके थ्रू हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो डेफिनेट इंटीग्रल हो। तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखेंगे कि डेटा दिया हुआ है उसके बेस पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आगे वीडियो में हम लोग बाकी फार्मूला को पढ़ेंगे। थैंक यू।